हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से हमारे न्यू वीडियो में आपका फिर से वेलकम। तो फ्रेंड्स, आपने थंबनेल तो देख लिया होगा कि क्या लिखा हुआ है थंबनेल पे। तो हाँ भाई, आप सही थंबनेल देखे, आपने मेरी एड्स एक्सचेंज ने मेरी आईडी को ब्लॉक कर दिया है। ठीक है, अब मेरी आईडी को ब्लॉक क्यों किया, मैं सारा प्रोसेस आपको इसी वीडियो में बताऊँगा। जैसे देखिए फ्रेंड, मैं यूज़र नेम अपने पासवर्ड जैसे डालता हूँ फ्रेंड, मेरे को ऐसी प्रॉब्लम फिर मतलब कि आती है। देखिए ना फ्रेंड, जैसे मैं अपने पासवर्ड डालता हूँ, मैं इसमें डाल देता हूँ एक बार पासवर्ड को मैं, तो भाइयों मैं जैसे अपने पासवर्ड एंड अपने यूज़र नेम डालता हूँ और फिर मैं साइन इन पे क्लिक करता हूँ, तो मेरे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आता है भाइयों कि देखना। अभी मेरे सामने आपके सामने कैसे इंटरफेस आएगा, अभी थोड़ा नेट स्लो चल रहा है मेरा, देखना अभी फ्रेंड्स। तो भाई लोग, मैं जैसे अपनी यूज़र नेम और अपनी पासवर्ड डालता हूँ तो फ्रेंड देखिए मेरे सामने क्या आता है। मेरे सामने फ्रेंड्स कुछ ऐसा लिखा आता है कि यूज़र आईडी इज़ ब्लॉक्ड। अब मैं बताता हूँ कि मेरी आईडी ब्लॉक क्यों हुई है। अगर आपकी भी आईडी ब्लॉक हो चुकी है तो अब इसका रिकवर क्या होगा। तो भाइयों देखो, मैंने मेरी आईडी इसने कंप्लेन है इसलिए ब्लॉक कर दिया, क्योंकि मैंने ना फ्रेंड्स कंपनी के खिलाफ कुछ ऐसी वीडियो मैंने शूट की थी अपने यूट्यूब चैनल पर और उसने डाल दी थी, आपको आपने भी देखा होगा। ठीक है, लेकिन वो वीडियो मेरे यूट्यूब पर नज़र नहीं आ रही, मेरे मतलब कि यूट्यूब ने हटा दिया है, एड्स एक्सचेंज वालों ने उसको वीडियो हटवा दिया है। लेकिन मैंने उस वीडियो में कुछ आपके लिए ही बोला, मतलब कि मेरे जो YouTube फैमिली है उनके लिए मैंने फ़ायदे के लिए बोला है, मतलब कि कोई मैंने इस कंपनी में कोई भी कंपनी के खिलाफ फ्रेंड्स मैं कोई गलत कदम नहीं उठाता हूँ। पहले बात तो ये बोल देता हूँ, मैं एड्स एक्सचेंज के खिलाफ मैंने कोई गलत कदम, मैंने इनके बारे में कोई बुरा भला नहीं कहा, जो है हकीकत मैं वही बोलता हूँ, जो भी हकीकत था ना भाई वो मैंने वो बोला। लेकिन कंपनी वालों ने तो मेरा आईडी को ब्लॉक कर दिया, अब क्या पता अब कैसे मेरी आईडी फिर से अनलॉक होगी। तो देखो यार, जो कंपनी, मैंने ऐसा कुछ बोला नहीं है, मतलब कि जो था ना फ्रेंड्स मैंने वो ही बोला है कंपनी के बारे में, ऐसा नहीं कि मैं देखो ना है, तो मैं किसी भी कंपनी के बारे में कुछ गलत नहीं बोलना चाहता, क्योंकि वो भी आते हैं दो पैसे कमाने के लिए। लेकिन वो अगर अपने मेरे फैमिली के साथ कोई अगर फ्रॉड करती है तो मेरे को अच्छा नहीं लगता, मैं सिर्फ आपको बात ही बोलता हूँ। लेकिन मैंने ऐसा कुछ कंपनी के सामने कुछ ऐसा बोला ही नहीं कि कंपनी मेरे को ब्लॉक करती है आईडी, लेकिन कंपनी ने मेरी आईडी को ब्लॉक कर दिया है। मैं जैसे यूज़र नेम पासवर्ड डालता हूँ तो मेरे सामने ये रिज़ल्ट निकल के आता है कि आपका आईडी ब्लॉक कर दी गई है। तो मैं अब देखो यार, रिकवर कैसी होगी वो तो मुझे पता नहीं, अब कंपनी वाले कैसे रिकवर करेंगे मेरी आईडी को पता नहीं। लेकिन मैं एड्स एक्सचेंज वालों से ये बोलना चाहता हूँ कि अगर मेरे से कोई गलती की हो मैंने तो मुझे क्षमा करें और मेरी एड्स एक्सचेंज मेरा आईडी वापस से प्लीज़ लॉगिन कीजिएगा। ठीक है, तो मैं एड्स एक्सचेंज वालों को कंपनी वालों को यही बोलना चाहता हूँ कि अगर मैंने कोई गलती करी है तो मेरी आईडी को आप परमानेंट ब्लॉक कर दो। अगर मैंने कोई अभी लॉक तो हो चुकी है लेकिन अभी कोई गलती नहीं करी तो आप मेरी आईडी को अनलॉक कीजिएगा प्लीज़। मैंने कोई गलत कदम तो उठाई नहीं है कंपनी के बारे में, ठीक है, क्योंकि मैं यार मैंने इतनी मदद करके अपनी टीम को मैंने यहाँ पे आगे तक लेकर आया हूँ और कंपनी ने मेरी आईडी को अनलॉक कर दिया है। देखते हैं अब कंपनी मेरी इस वीडियो को देखती है तो क्या बोलती है, क्या मतलब कि इसका सोल्यूशन निकलता है नहीं निकलता है। अगर आपकी भी हो चुकी है फ्रेंड्स तो देखते हैं क्या होता है, अगर इसका कोई सोल्यूशन होगा तो मैं आपके लिए एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको फिर से समझाऊंगा, अगर इसका कोई सोल्यूशन मिलता है तो। मैं तो अभी देखा था फ्रेंड, तो जस्ट मेरे सामने कुछ ऐसा आया था रिज़ल्ट, तो मैं सोचा यार, और किसी दूसरे की भी अपने फैमिली वालों की हो रखी है तो उनके सामने कुछ सोल्यूशन क्या है वो तो हम नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से ही समझा पाएंगे। अब चलो यार फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।